हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, आज हम कंटिन्यूटी करेंगे टॉपिक लिमिट को। ठीक है, कुछ जो हमने लास्ट टर्न पे लिमिट के जो क्वेश्चन करे थे, लिमिट के जो फॉर्मूले बताए थे, उससे आगे कंटिन्यू कर सकें। जैसे फिर एक क्वेश्चन है, लेट टी बी डेनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ सच दैट लेस देन टी एंड सी डेनोट द फ्रैक्शन पार्ट एट द इंटीग्रल ऑफ अल्फा लेफ्ट हैंड लिमिट द फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स, इस तरह वन प्लस एक्स प्लस अल्फा की पावर टू, टेबल के बंद ब्रैकेट एक्स प्लस कर्ली ब्रैकेट एक्स टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू अल्फा माइनस फोर अपॉन थ्री। ठीक है, तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन है, क्या गिवन, जो गिवन है उसको ही मान लेंगे। क्या गिवन है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स प्लस अल्फा की पावर टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन सो एक्स जी एस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो एक टेबल कल बताया था, मैंने लास्ट टाइम से ये फॉर्मूले बताया था कि अगर कहीं कर्ली एक्स है, ये तो कहता है एक्स माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस के एक्स, और अगर कहीं मान ले जीरो है ये, तो इससे एक कम होता है माइनस वन। इस तरह के फॉर्मूले बताए थे ना कल मैंने एक बार। अच्छा, एक और बताया था, अगर कुछ इंटीजर है, इंटीजर है ये एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस एक्स, ये बताया था ना मैंने। ये तीन फॉर्मूला है, क्या है ये तीन फॉर्म है, ये जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है, जैसे क्वेश्चन है ई इक्वल टू वन प्लस एक्स, जैसे ये तो बाहर आ गया, ये जो बाहर आ जाएगा ये वन प्लस एक्स प्लस अल्फा की पावर टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अल्फा की पावर ये टू एक्स जुगत में प्लस एक्स को क्या लिख लेता हूँ, इधर कर लीजिए ब्रैकेट को एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट के लिए क्या आएगा, ये एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस दिस वाई ये आ गया। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें जो इनके लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका दिखाएगा एल एच एन, इसकी एल एच एन ही लिख लूंगा मैं, एल एच एन लिख लूंगा। यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, एल एच एन लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा, तो मैं ये माइनस का है, क्या आ जाएगा, ये माइनस का रहेगा। जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा ये, तो यहाँ जीरो है माइनस कम एक कम है, तो क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा, अगर ये जीरो माइनस का हो लेफ्ट हैंड लिमिट एक कम है, तो क्या आएगा ये वन माइनस वन, वन माइनस
वन प्लस अल्फा की पावर टू माइनस वन प्लस चलो क्या ऊपर आए प्लस क्या आएगा ये जीरो प्लस जीरो या माइनस एक्स क्या आएगा माइनस एक्स ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस वन आएगा माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा ये अपॉन टू क्या आएगा अपॉन टू ठीक है भाई अपॉन टू क्या आएगा फिर ये इस एक्स की वैल्यू जो है यहां से क्या जाएगी माइनस टू माइनस टू और इसे एक्स को क्या लिख लूंगा यहां से इस एक्स को लिख लूंगा एक्स माइनस मीटर एक्स माइनस टू मीटर माइनस टू प्लस ये तो जीरो आ जाएगी इसके बाद भी ये प्लस हो जाएगी ठीक है ये यहां पे क्या आ गया ये सेम बिंदु है ना ये प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहां से रखूंगा एक्स की वैल्यू माइनस वन 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 एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी ये माइनस वन माइनस वन ठीक है तो यहां क्या आ जाएगा वन से वन जाएगा क्या बचा गया एल्फा की पावर माइनस टू एल्फा की पावर माइनस टू और क्या आ जाएगा ये माइनस टू और क्या आ जाएगा ये माइनस टू क्या आ जाएगा ये माइनस वन क्या आ जाएगा ये माइनस टू अपॉन माइनस वन ये आ गया ठीक है अल्फा की पावर क्या आ जाएगा यहां से माइनस टू प्लस वन ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस वन ये आ गया अल्फा माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ गया अल्फा माइनस टू क्या आ गया ये अल्फा माइनस टू माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस वन ये आ गया ठीक है भाई और अब उसके बाद क्या करते हैं और ये इसे इसे सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा क्या लगेगा ये सोल्व करके माइनस वन अपॉन एल्फा इधर आ गया माइनस वन अपॉन एल्फा प्लस थ्री और गिवन है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी गिवन है इक्वल टू एल्फा माइनस फोर बाई थ्री ये कितनी गिवन है इसकी एल्फा माइनस थ्री गिवन है क्या गिवन है क्या गिवन है एल्फा माइनस वन अपॉन एल्फा प्लस थ्री इक्वल टू एल्फा माइनस फोर अपॉन टू एल्फा माइनस फोर अपॉन थ्री नीचे आ गया एल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा एल्फा प्लस वन अपॉन एल्फा टू प्लस फोर अपॉन एल्फा प्लस एल्फा एल्फा जी एल्फा में क्या आ गया एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल्फा इक्वल टू टेन अपॉन थ्री क्या आएगा ये टेन अपॉन थ्री थ्री से स्क्रोल में मल्टीप्लाई कर लूंगा क्या आएगा थ्री एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल्फा इक्वल टू टेन अपॉन थ्री तो थ्री क्या आ गया अरे नहीं ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा ये थ्री एल्फा स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू टेन ठीक है थ्री एल्फा स्क्वायर प्लस माइनस टेन एल्फा प्लस थ्री इक्वल टू थ्री थ्री नाइन नाइन कैसे फैक्टर जिनके क्या होते हैं टेन आ जाता है क्या रहता है टेन आ जाता है इसे सोल्व करके क्या आ जाएगा एल्फा इक्वल टू थ्री एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री सोल्व कर लेंगे देखो भाई आगे समझो देखो भाई क्वेश्चन समझेंगे अच्छे एक कोई फंक्शन है ये कोई फंक्शन है वन प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स
ये ब्रैकेट में है, टेबल स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट दिख रहा है अल्फा की पावर 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट x प्लस x माइनस 1 अपॉन 2, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है 2x, 2x प्लस कर्ली ब्रैकेट x, ठीक है। नहीं ये मैंने फॉर्मूले में फॉर्मूले बताए थे, क्या बताए थे, अगर कहीं जीरो है ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो जीरो माइनस के 1 आ जाता है, ठीक। अगर कहीं ये कर्ली ब्रैकेट हो गया ये आ जाएगा एक्स माइनस ये आ जाएगा। अगर कहीं इंटीग्रल पार्ट हो यानी एक्स प्लस आई हो तो इसे आई को बाहर कर लेंगे, चलिए क्या आता है आई प्लस एक्स, ये फॉर्मूला। ये लिमिट थी, ये लिमिट का क्वेश्चन में जरूरत निकाल लिया, मुझको ये लिमिट चाहती है, दे रखी है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है, तो इसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसे माइनस किया बाद में एक्स माइनस जीरो कर लेंगे, एल एच एल क्या निकाल लेंगे इसकी एल एच एल, जब एल एच एल है तो जीरो से थोड़ा आसपास माइनस की इधर होगा, इसके यहाँ माइनस मान लेंगे, ये आ जाएगा वन प्लस, ये जो है ना वन प्लस एक्स, इसे इस तरह कर लिया, ये है वन प्लस एक्स, ये है ना वन प्लस एक्स, ये फाइव प्लस एक्स, इसे वन को बाहर ले लिया, एक्स को बाहर ले लिया, ये आ गया अल्फा की पावर 2x जीरो टू एज इट इज, ये कर्ली ब्रैकेट में एक्स है, एक्स को क्या कर लेंगे एक्स माइनस एक्स, क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स बार प्लस एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस एक्स माइनस मीटर, अच्छा वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गया माइनस वन माइनस माइनस अल्फा की पावर टू माइनस वन प्लस वन जीरो प्लस वन माइनस वन, इस वन से वन चले जाएगा, ये इस वन नहीं ये माइनस वन आएगा, इस वन से ये वन चला जाएगा, अल्फा की पावर क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा माइनस वन, ये रहा माइनस टू प्लस वन, ये रहा अल्फा माइनस वन, ये माइनस वन क्या आ जाएगा ये माइनस टू और नीचे माइनस टू प्लस वन, एक्स की वैल्यू जो है जब यहाँ जीरो रखूंगा जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन, एक कम होती है हमेशा, पहले बताया था मैंने, तो माइनस टू प्लस वन कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगी, क्या आ जाएगी तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस वन माइनस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे नीचे ले आएंगे और सबको माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस टू, और दे रखी है ये गिवन है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी दे रखी है मुझे फंक्शन में अल्फा माइनस फोर अपॉन थ्री, कौन सी दे रखी है अल्फा माइनस फोर अपॉन थ्री, ये दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों ये इक्वल हो जाएंगी, तो ये दोनों की वैल्यू ये रख दूंगा माइनस वन अपॉन अल्फा डिग्री माइनस फोर अपॉन थ्री, तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टेन अपॉन थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा इक्वल टू थ्री आ जाएगी, क्या जाएगी अल्फा इक्वल टू थ्री, कोई प्रॉब्लम भाई एनी प्रॉब्लम, ठीक है आगे बढ़े भाई। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी,
ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये कोई फंक्शन है लिमिट एफ टेंड्स टू इनफिनिटी एफ स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्या निकालनी है, इसमें वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू किससे निकालते हैं भैया इसमें, देखो पहले ये ले लूंगा मैं, इसको क्या करता हूँ सोल्व करता हूँ, क्या करता हूँ एफ स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी, इन दोनों से माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस यहाँ के लिए प्लस इधर क्या आ गया एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स की एक्स में क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा ये ए एक्स की एक्स में क्या जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की ए एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स की बी एक्स प्लस बी की मन में बी अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। देखो भाई अब इसमें क्या, इसकी जो लिमिट आ रही है वो आ रही है जीरो। जीरो कब होगी, यानी कि वन इनफिनिटी है, इनफिनिटी नीचे ही क्या है वन अपॉन है ना, कि हम जानते हैं हम भी नो वन अपॉन इनफिनिटी भी क्या होता है जीरो होता है, यानी कि नीचे जो है एक्स आएगा, नीचे क्या आएगा एक्स आएगा, नीचे एक्स आएगा तो यानी कि डिग्री ऑफ, अच्छा पहले को सोल्व कर लेते हैं, पहले से क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं जब ये एक्स आएगा नीचे, नीचे एक्स आएगा तो यानी कि जो इसकी डिग्री है, डिग्री है डिनोमिनेटर की क्या हो जाएगी ग्रेटर देन होगी किससे न्यूमिनेटर के, तो ये क्या जाएगा लिमिट एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टाइम्स टू जीरो, इधर दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया वन माइनस ए वन माइनस ए, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया माइनस एक्स कॉमन ले गए ए प्लस बी, फिर क्या आ गया माइनस बी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इन में से क्या हमें क्या पता लग रहा है क्वेश्चन में, जो न्यूमरेटर की डिग्री है, जो जो न्यूमरेटर की डिग्री है क्या है डिग्री ऑफ, क्या पता लग रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ दिया, यानी डिग्री जो है न्यूमरेटर की लेस देन होगी, कहे से लेस देन होगी डिग्री ऑफ, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा बड़ी होगी, इससे जो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी तो ये क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट जीरो आएगा, तो वन माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन माइनस ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, ए इक्वल टू वन आ जाएगा, तो ये जो है ए प्लस बी भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ये एक्स तो कोई होने ही नहीं है सारी जो छोटी होंगी, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा, तो ए इक्वल टू माइनस बी, अरे ए इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू क्या जाएगा यहां से माइनस, तो है क्या है क्वेश्चन का ए इक्वल टू माइनस वन बी इक्वल टू माइनस वन हो गया। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये, जे आई आई टी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई वो फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन की जो लिमिट थी जीरो थी, इसकी वैल्यू जो है ए एंड बी पे निकालनी थी, अच्छा अब इसको हमने जो है सोल्व कर लिया, इसकी इसे मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है इसे मल्टीप्लिकेशन कर दी, और फिर जो है इसमें एक्स स्क्वायर हो दिया, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अलग को ले लिया,
एक्स अलग लेगा या अलग, अपॉन एक्स को बस। हमें हमें ये पता है, क्या पता है हमें, कि जो है इसकी इससे जो है लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। लिमिट क्या आ रही है इसकी, लिमिट जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या, मतलब समझे इसकी लिमिट जीरो आ रही है, इसकी अगर लिमिट आ रही, लिमिट अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब समझे हम कि इसकी जो ये वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। यानी एक्स नीचे बचेगा, एक्स कितने जितने भी ऊपर डिनोमिनेटर है, इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी न्यूमिनेटर की उससे ज्यादा ही होगी डिनोमिनेटर। अच्छा ये फंक्शन मेरे पास ये आ गया, फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। जब ये आ गया है ठीक है, यहां तक के, तो अब जब ये, तो ये जीरो होंगे तो एक्स को जीरो नहीं करता, ये होगा वन माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ए इक्वल टू जीरो, फिर ये भी एक्स का भी होगी जीरो, ये भी जीरो होगी, जब इससे ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस बी, या बी इक्वल टू माइनस ए, ए की वैल्यू वन है तो माइनस ए, तो इधर क्या आ गया वन और माइनस वन। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड। अगर ये क्वेश्चन का ये कह दे ही नहीं, इस क्वेश्चन को ये कह दे कि इसकी वैल्यू टू है, इसकी वैल्यू क्या है, टू है, तो एज फाइंड द वैल्यू एफ बी। अब ये यहां देखिए तो सेम रहेगा, तो क्या रहेगा, ये यहां तक के तो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, देखो अब टू आ रही है, क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट, क्या आ रही है, ये कॉन्स्टेंट आ रही है, कॉन्स्टेंट आ रही है, तो ये डिग्री ऑफ, जब कॉन्स्टेंट आ रही है, कॉन्स्टेंट कब आती है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को, अगर ये न्यूमिनेटर का फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर का फंक्शन है, इसको करके डिवाइड करके कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट कब आता है, इसका मतलब जो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर फंक्शन की है, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर विल भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम वी हैव, क्योंकि वी हैव द लिमिट इज कॉन्स्टेंट, लेकिन वी हैव लिमिट इज कॉन्स्टेंट, लिमिट इज कॉन्स्टेंट हो गया, तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वही क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर की डिग्री आ जाएगी। न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है भैया, ये है, तो ये वही जीरो रहेगा फिर इसमें भी, तो वन माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो वन टू ए, वन इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू वन की, अब फिर जो है ए इक्वल टू वन की इस लिमिट में पुट कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं, ये दो इक्वल टू दो आ ही रहा है, इक्वल टू दो, इक्वल टू दो, इक्वल टू दो, तो अब इसकी इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, क्या रख दूं इसकी वैल्यू, ए इक्वल टू वन की वैल्यू, ए इक्वल टू वन को दे पुट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या जगह एक्स स्क्वायर वन माइनस वन जी, वन माइनस वन माइनस वन प्लस माइनस एक्स वन प्लस बी अपॉन माइनस बी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू टू दे रखा है, इसमें पुट किया है, ए की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, वन पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, ए की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसे जीरो आ गया भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन प्लस बी माइनस बी प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन,
देखो भाई इसका क्या मन, इसका क्या करना है मुझे इसे करने के लिए, एक बार ये ना एक्स, एक बार जोड़ूंगा मैं, एक बार माइनस कर दूंगा इसे, ये एक्स आई वन प्लस बी माइनस बी प्लस टू, लिमिट एक्स टेंस ये वन प्लस बी, ये एक्स प्लस वन आ जाएगा, क्या आएगा वन प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा, ये तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा एक्स टेंस टू इंफिनिटी आएगा, एक्स टेंस टू इंफिनिटी टू एक्स टेंस टू इंफिनिटी टू एक्स टेंस टू इंफिनिटी, जब यहाँ यहाँ भी एक्स आएगा देखो भाई, जब इसके नीचे ये आएगा यहाँ भी एक्स आएगा, वन प्लस बी के एक्स प्लस वन में करूंगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो वन प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से टू, वन प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस के वन प्लस बी क्या आ जाएगा यहाँ से, बल्कि माइनस वन प्लस बी क्या आ जाएगा माइनस, ये है ना एक्स प्लस वन और वन प्लस बी आएगा एक्स प्लस वन से कट जाएगा, इसके नीचे भी एक्स आएगा, इसके नीचे भी आएगा, क्या आएगा माइनस वन प्लस बी इक्वल टू माइनस वन प्लस बी इक्वल टू माइनस, दोनों का सिमेट्रिकल कर लिया, वन प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, वन प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी इक्वल टू माइनस थ्री, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस थ्री, और ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू वन आ गई फंक्शन से, ए की वैल्यू भी निकाल ली और यहाँ की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, बी की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है भाई आगे बढ़े भाई, देखो कोई प्रॉब्लम, अगर ये यू कह रहे हैं ये तारा इसकी वैल्यू इनफिनिट में, इनकी वैल्यू क्या है इनफिनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अब अगर ये कह दे कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या है भैया इन्फिनिटी है, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी कब होगी, सीधी बात है इसमें न्यूमरेटर पावर क्या होगी बड़ी होगी, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या करेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री न्यूमिनेटर है तो ये जो है ये जीरो क्या आ जाएगा, ये सारी डिग्री जीरो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी बड़ी होगी, क्या होगी बड़ी होगी, बड़ी होगी तो क्या होगा ये जो वन माइनस ए है क्या होगा इज ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ क्या आएगा माइनस ए इज लेस देन माइनस टू, माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूंगा क्या क्या है चेंज साइन चेंज आएगा दोनों, ए इक्वल टू माइनस फुल वन, माइनस का इंफिनिटी का साइन चेंज रहता है, क्या होता है इंफिनिटी का क्या हो जाता है साइन चेंज होता है, ए क्या आ जाएगा माइनस वन, और इसमें जो है बी का जो है कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर लेंगे, इसमें बी डायरेक्ट नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर एज्यूम कर लेंगे, तो इसकी ये तीन मैंने प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन की एक बार जीरो था यहाँ, एक बार कॉन्स्टेंट था, एक बार इन्फिनिटी था, ध्यान ये रखना है कि अगर इन्फिनिटी होगा तो न्यूमिनेटर की पावर क्या होगी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज्यादा होगी, अगर जीरो होगा दोनों क्या होगी सेम होगी,
अगर ठीक है इस तरह की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक भाई आगे बढ़े। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी फैक्टराइजेशन मेथड पे सोल्व करें लिमिट अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड पे सोल्व करें। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल? ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। जैसे अगर कहीं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, क्या कहा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब हो तो इसकी वैल्यू सबकी क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी क्या आ जाएगी? इसकी भी सबकी वैल्यू जो है वन है। इसी तरह सेम अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन, इनकी वैल्यू सबकी क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? है वन आ जाएगी। ठीक है और अगर कहीं ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी भी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन टू। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट की? वन अपॉन टू। अगर लिमिट क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। देखो ये फॉर्मूले हैं भैया, देखो इन्हें याद करने हैं। क्या फॉर्मूले हैं? कि एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन। अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स की चेंज इस तरह हो टेन एक्स अपॉन एक्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स सभी वैल्यू क्या होती है? वन। यानी जो भी एंगल यहाँ होगा उसका नीचे एक्स स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन टू हो जाएगी। क्या आ जाएगी? वन अपॉन टू आ जाएगी। तो इस तरह जो है हम जो है क्वेश्चन को फोर सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ये जो एक्स इक्वल टू जीरो अगर ये लिमिट कुछ और भी है यहाँ टेंस टू लेकिन ये एंगल अगर जो है साइन जीरो अपॉन जीरो का जब भी वही की वैल्यू कितनी होगी? वन हो जाएगी। क्या आ जाएगी? वन हो जाएगी। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स टेंस टू पाई क्या आएगा? साइन
फाई साइन एक्स अपॉन फाई माइनस एक्स, साइन फाई माइनस एक्स। तो साइन ये क्या आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू साइन जीरो आ गई है और पाई में जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी इसके। ये इसका फंड है। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन हो रहा है भैया। ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस पाई एक्स, कॉस फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी हमें जो है लिमिट निकालनी है, इसकी क्या लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो ये क्या आ जाता है इसकी वैल्यू, सो अब जो है एक्स की वैल्यू जो इसका स्क्वायर होना चाहिए भाई, नीचे क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर होना चाहिए, क्या आएगा वन माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स का होल स्क्वायर। फाइव एक्स का होल स्क्वायर कितना आ गया, 25। कितना आ गए, कितना आ गए, 25। तो 25 है नहीं है, तो 25 सही है, हर एक में 25 है। 25 क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फिर वही फॉर्मूला आ गया, ये आ गया वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई टू। क्या आ गया, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन बाई टू, क्या आ गया 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वन बाई टू इक्वल टू 25 अपॉन टू, क्या आ गया 25 अपॉन टू आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसको यह फाउंड अप करेंगे। ठीक है भाई, करो इसको उतारना। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो एक क्वेश्चन और तो नहीं सोच करेंगे। क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, थ्री प्लस कोस एक्स, थ्री प्लस थ्री प्लस कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस टू एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स, इस तरह की ये लिमिट है, इस तरह की ये लिमिट है। तो इस तरह जो है सोल्व करना है, क्या करना है मुझे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है इसमें, क्या वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स, थ्री प्लस कोस एक्स, इस तरह ये, बल्कि कोस टू एक्स कर लो, क्या कर लो उसको, कोस टू एक्स कर लो। देखो किस तरह करते हैं भैया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो भाई पहले इसको जो है टेन एक्स अपॉन एक्स बना लो, क्या बना लियो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा थ्री प्लस कोस एक्स वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन एक्स, टेन फोर एक्स है, टेन फोर एक्स अपॉन फोर एक्स और मल्टीप्लाई फोर एक्स से कितना जाएगा, इस फोर एक्स से तो ये फोर एक्स कितना जाएगा, खत्म। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, फोर एक्स और एक्स क्या रहेगा फोर एक्स स्क्वायर, क्या रहेगा ये
और अब जो है फोर माइनस कोस टू एक्स, टू एक्स का होल स्क्वायर ये रखा फोर एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू रखी है 100, कितनी रखी है 1 बाई, कितनी रखी है इसकी वैल्यू 1 बाई 2, तो लिमिट एफ टेंस टू जीरो जाएगा 3 प्लस कोस एक्स की पावर 1 बाई 2, 3 प्लस कोस है मल्टीप्लाई 1 बाई 2, 1 बाई 2 3 टू 3 प्लस कोस दी रहेगी वैल्यू 1 क्या आएगा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 4, कितना 2 टू 4 कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, अब देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है नया, 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई 2 क्वेश्चन है, एक्स पावर 8 एक्स की पावर 1 अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x square by 4 plus cos x square by 2 cos x square by 4 equal to 2 की पावर equal to 2 की पावर minus k, yes. find value k की वैल्यू निकालनी है, क्या की वैल्यू निकालनी है, इसकी k की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ये क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये, और लिमिट जो है इसकी दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसकी वैल्यू दी गई है। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू, देखो भाई 1 माइनस 4 स्क्वायर एक्स बाई 2 ये जीरो से, इन दोनों में से कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या ले लूंगा, दोनों में से क्या कर लूंगा कॉमन ले लूं, कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लूं, क्या लेंगे 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये आ गया अपॉन एक्स पावर 8 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई 2 दोनों नंबर 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस फोर
स्क्वायर अपॉन से और अपॉन एक्स पावर ए, क्या आएगा एक्स की पावर ए। ये भैया कोट सेक्स स्क्वायर बाई टू है, ये शीट को अलग अलग कर लिया, ये क्या गया वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई टू। अच्छा देखो भाई इसका स्क्वायर होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ नीचे जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, पावर फोर अपॉन फोर एक्स की पावर फोर, ये फोर से ये फोर, ये फोर से फोर में कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। अब यह वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन, सिक्सटीन मिनट रहेंगे इस सिक्सटीन से, ये सिक्सटीन चले जाएगा। अच्छा देखो एक्स पावर फोर और एक्स पावर फोर ये रहा और ये थ्री हो गई, ठीक है। अब देखो अब ये फॉर्मूला ये कितना फॉर्मूला बन गया, ये लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो लिमिट, यहाँ क्या बच गया ये अब इसमें क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में क्या बच गया ये इसकी लिमिट, ये इसकी लिमिट, ये इसकी लिमिट है। अच्छा जब इसमें लिमिट रखूंगा ये, हाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखूंगा मैं, इसकी वैल्यू वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू, कितनी आ गया है वन बाई टू, क्या लगा यो वन बाई टू, तो फोर वन बाई टू मल्टीप्लाई फोर कितनी आ गई है वन बाई टू, ठीक इसी तरह वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन हुआ तो क्या आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन, क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई सिक्सटीन अपॉन वन अपॉन तो क्या आएगा वन अपॉन एट, वन अपॉन सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, एट टू द सिक्सटीन, सिक्सटीन सिक्सटीन वन जेड टू जेड क्या आ गया टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आ गया है, टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स या इसे क्या करना है टू की पावर एट, ये क्या आ गया टू की पावर एट, और ये जो है इसकी वैल्यू की यहाँ की वैल्यू इसकी गिविन क्या की वैल्यू है टू की पावर माइनस की है, तो गिविन है क्या गिविन है टू की पावर माइनस के इक्वल टू क्या है गिवन है टू की पावर माइनस के इक्वल टू क्या आ गया टू की पावर वन अपॉन टू, और ये टू की पावर माइनस के इक्वल टू टू की पावर माइनस ए के इक्वल टू ए, वैल्यू कितनी आ गई इसकी के की वैल्यू कितनी आ गई है एट आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई है एट, ठीक है भाई इसे उतारो भाई इतने।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक फाइव फाइव कोस स्क्वायर एक्स अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो क्या है? साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन देखो भाई, देखो साइन पाई इधर कोस स्क्वायर एक्स कर लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन, ये क्या आएगा? पाई माइनस साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब क्या फॉर्मूला है? साइन पाई माइनस थीटा फॉर्मूला होता है ना, ये देखो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा ये होता है ना, जैसे ये होता है जीरो नाइनटी या वन एट्टी टू सेवेंटी, ये इसमें तो ऑल होते हैं, इसकी होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो पाई 180 में से थोड़ा सा पाई माइनस थीटा कौन से घर में जाएगा? इस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये साइन थीटा। फलक्स होते हैं, यानी 180 माइनस में से साइन और कोसेक को छोड़ के सारे माइनस के होते हैं, सारे क्या होते हैं? साइन फाइव माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन फाइव साइन स्क्वायर एक्स साइन फाइव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या गया? साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो भाई, अब ये है, अब मैं ये बना लेता हूँ फॉर्मूले से, बनाने की कोशिश करता हूँ। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना था? वन। तो साइन से जुड़ती हूँ, साइन फाइव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू फाइव साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये भैया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको देखो, ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई?
वन आ गई, कितने आ गई इसकी वैल्यू, वन आ गई। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, इसे किसी भी इसे उस तरह बोल से लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू वन आ गई, इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू वन आ गई, लिमिट रखूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। तो वन वन और पाई क्या आ गया, वन मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई वन, ये पाई, ये जो है इसकी जो है इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई भैया, पाई आ गई। ठीक है, अरे भाई आगे बढ़े, क्या भाई फाउंड एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन पाई एक्स अपॉन साइन पाई एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्स टाइम्स टू वन लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन साइन की पावर फोर माइनस टू एक्स की पावर थ्री प्लस टू एक्स माइनस वन लिमिट, और फिर किससे लिमिट लिखी थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इन दोनों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन, देखो ये ना एक्स पावर फोर है ये माइनस वन, इस तरह ये ना ये है एक्स पावर फोर माइनस वन, इसे किससे कर दूंगा मैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्म लेता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, इन दोनों को मिला के एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर माइनस वन को मिला के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस टू एक्स, दोनों में से कॉमन लेके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों में से कॉमन लेके क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई एक्स, इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉमन लेके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन
एक्स स्क्वायर माइनस वन जगह आएगा, क्या आ गया, साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, या गया लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स टेंस टू वन ही है ना, ए स्क्वायर प्लस डी है ना, एक्स स्क्वायर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है, तो देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको ये आ गया मेरा, क्या आ गया ये लिमिट एक्स टेंस टू वन, क्या आ गया, इसे सर को इकट्ठा करके लिख लू मेरा, आगे लिमिट एक्स टेंस टू वन क्या आ गया, साइन स्क्वायर फाइव एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या आ गए, ये आ गए, इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसे कर सकता हूँ साइन फाइव माइनस फाइव एक्स, क्या कर सकता हूँ मैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू वन, इन दोनों में क्या करूंगा, फाइव को मैं ले लूंगा, ठीक है साइन स्क्वायर पाई इंटू वन माइनस एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई वन माइनस एक्स। अच्छा अब एक फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन क्या होता है, अगर कहीं ये वो फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन या एक्स माइनस पाई, या क्या कहते हैं एक्स माइनस पाई कहते हैं, या पाई माइनस एक्स एक ही बात है, एक्स माइनस पाई कहते हैं, कहते हैं पाई माइनस, क्या होती है पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, कि लिमिट इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, क्या लिमिट है मुझे देखना है कि वो इस फॉर्म में हो रही नहीं हो रही, साइन जीरो अपॉन जीरो भी लिमिट कुछ भी हो, मैंने पहले शायद मैंने साइन पाई बताया होगा गलत है, तो साइन पाई बनी नहीं, इस फॉर्म में चाहिए साइन जीरो अपॉन जीरो, पाई वैल्यू साइन जीरो अपॉन जीरो आ गई, क्या आ गई साइन जीरो अपॉन जीरो, इस फॉर्म में चाहिए, इसकी लिमिट क्या जाती है वन, देखो भाई जैसे ये यहां है तो अब इसको क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पाई स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई है, पाई स्क्वायर से ये कर दू, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू सभी क्या आ गई वन आ गई, क्या आ गई थी फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, क्या जाएगा ये फाइव स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा ये फाइव स्क्वायर, क्या जाएगा ये ठीक है भाई, यहाँ से बात नहीं आ गई, यानी खास बात यह है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई है, साइन पाई बनी, लिमिट कुछ भी हो ये फॉर्म होनी चाहिए साइन जीरो फॉर्म जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा वन होती है, ठीक है अंडरस्टैंड भाई, सब देखते अब आगे क्या है,
फ्रैक्शन की पावर, मान लिया फ्रैक्शन की पावर जीरो हो या इनको वन बाई टू की पावर जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वन। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? वन आती है। अगर कोई कहे कि फ्रैक्शन की पावर क्या निकालनी हो, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी हो तो वो भी जीरो होती है, वन बाई टू की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। फ्रैक्शन की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। वन बाई टू की कितनी भी बड़ी मान लीजिए है ना, जैसे वन बाई टू है, कितना आएगा? पॉइंट फाइव। वन बाई टू की पावर टू तो वन बाई फोर क्या आएगा? पॉइंट टू फाइव। ऐसा है ना, वन बाई टू की पावर थ्री इक्वल टू वन बाई फोर इक्वल टू पॉइंट जीरो पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट वन टू फाइव दैट मीन्स इट विल बी कन्वर्ज टू जीरो एंड इफ द लार्ज नंबर वी हैव वन बाई टू की पावर इंफिनिटिव इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना फॉर्मूला। आगे बढ़े, देखो जैसे एक और क्वेश्चन है लिमिट लिमिट टी टेंस टू जीरो लिमिट टी टेंस टू जीरो वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस वन अपॉन टू साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन थ्री साइन स्क्वायर टी वन अपॉन एन साइन स्क्वायर टी की पावर सारी की टी एक्स टू सी। टीचर एक्स मान लिया और एक ही बात है, चाहे तो इसको लिमिट को टी मान लो चाहे टी मान लो, ये है वन अपॉन वन पर एन की पावर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, वन अपॉन ये गलत कर दिया यार मैंने, वन अपॉन वन अपॉन वन की पावर साइन स्क्वायर टी वन अपॉन। अच्छा भाई अब मैं क्या करता हूँ इसमें से, पहले वन अपॉन एन साइन स्क्वायर टी की पावर यही कॉमन ले लू, क्या ले लू? वन अपॉन एन साइन स्क्वायर टी की पावर साइन स्क्वायर साइन की पावर टी कॉमन ले लू, क्या ले लू? साइन की पावर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, वन अपॉन साइन की पावर स्क्वायर टी की पावर साइन स्क्वायर टी है क्या ले रहा है? कॉमन ले रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? वन अपॉन देखो जब इसमें से ये कॉमन ले लूंगा तो इसके नीचे क्या जगह है? वन अपॉन एन क्या जगह है? वन अपॉन एन क्या जगह है? वन अपॉन एन ये क्या जगह? ये नीचे जाएगा वन अपॉन एन
क्या रहेगा, 1/6 एन साइन स्क्वायर टी देखो भाई, जब मैं इसमें से 1/(n)sin²t में से ये कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/(n) क्या आ जाएगा, यो 1/(n) क्या आ जाएगा, यो 1/(sin²t) 1/(sin²t) नहीं आ जाएगा, यो इसके नीचे आ जाएगा, और 1/(sin²t) क्या आ जाएगा, 1/(n) क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर टी क्या आ जाएगा, 1/(n)cosec²t क्या आ जाएगा, 1/(n)cosec²t टी आ जाएगा, क्या आएगा, 1/(n) क्या आएगा, 1/(n)cosec²t या क्या आएगा, 1/(n) क्या आएगा, ये 1/(n)(1/sin²t) 1/(n)(1/sin²t ठीक। यहाँ है ये सवाल, सवाल देखो जब मैं इसमें क्यूमन लूंगा तो 1/4 क्या आएगा, 1/(n)sin², 1^2 sin²t प्लस क्या आएगा, 2^(n)sin²t प्लस 3/(n)sin²t। अब टू क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ, एंड सो ऑन तक क्या आएगा, यहाँ अब टू बार वाले में से 1 आएगा, क्या आएगा, ये 1 आएगा, 1/4 यस 1/4 1^(n)^(1)sin²t 1/(n)^(2)t क्या आएगा, ये इसे जगह कट जाएगा, क्या आएगा, 1/(n) लिमिट टी टेंड्स टू 0 लिमिट टी टेंड्स टू 0 टी टेंड्स टू 0। देखो भाई अब यो क्या आ गया, 1/(n) 1/(n) 1/(sin²t क्या के बराबर होता है, cosec²t प्लस 2^(n) cosec²t 2^(n) cosec²t प्लस 3^(n) cosec²t प्लस 1 प्लस ये आएगा। और बोल के एन ही आएगा यार, ये तो ये एन है ना, एन ही आएगा, क्या आएगा, एन की पावर एन ही आएगा, क्या आएगा, एन। अच्छा भाई अब ये कोसेक स्क्वायर की पावर टी क्या आ जाएगा, कोस टी इक्वल टू 0 और एन जो इंटीजर है तो 1/2 की पावर 0 जितने भी इनफिनिटी आ जाएगा, या कोसेक टी, कोसेक टी की वैल्यू क्या, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होता है, इनफिनिटी होती है, क्या होती है, इनफिनिटी। और 1/4 एन की पावर इनफिनिटी कितना आ जाएगा, अभी बताया तो 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस अप टू 1 प्लस 1 और वहां क्या है, एन लिमिट एन रखिए, एन इंटू एन क्या है, एन एन ये आ जाएगा, 1 एन की 1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एन, क्या जाएगा, ये एन क्या आएगा, लिमिट इसकी क्या आ गई, एन आ गई, क्या आ गई इसकी लिमिट, के लिमिट क्या आ गई, एन आ गई। देखो ये फॉर्मूला था, 1 की पावर sin²t 1 की पावर sin²t ये प्लस 1 2/(sin²t) प्लस 3/(sin²t) प्लस n(sin²t) ये फॉर्मूला था। अब हमने n sin 1/(sin²t) कॉमन ही ले लिया सारे में से, n n की पावर 1/(sin²t) है कॉमन ले लूंगा तो ये sin²t सबके बाहर चला ही आ रहा है, ये क्या है, बाहर सबके sin²t चला ही आ रहा है, ये क्या बार सभी क्या है, ये sin²t क्या है, इस बार चला ही आ रहा है।
तो क्या रहेगा ये साइन स्क्वायर टी, टी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, टी की वैल्यू जो जीरो रखूंगा, क्या रखूंगा टी की, अगर जीरो रखूंगा मैं तो ये कोस ये कॉमन लेके क्या आ जाएगा वन अपॉन एन आ जाएगा, क्या आएगा वन अपॉन एन ये आएगा, और वन अपॉन साइन स्क्वायर टी क्या गया कोस स्क्वायर टी, टू अपॉन एन क्या गया ये भी कोस स्क्वायर टी, थ्री अपॉन एन कोस स्क्वायर टी। अच्छा जब कोस है टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज कर रहा है तो मैं से क्या आता है जीरो आती है, जीरो आती है, जीरो आती है, फिर भी क्या आता है इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, जीरो 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 वन क्या आएगा एन मल्टीप्लाई वन की पावर जीरो वन, क्योंकि अभी एन क्या आ गई चाहिए इक्वल टू। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम, ठीक है अंडरस्टैंड, तो और कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है गुड बाय बाय।